हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? तो एक टैबलेट लेके आया हूँ आज, जैसे 500 एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है और ये 500 mg की पोटेंसी के साथ अवेलेबल है। आप प्रोडक्ट के ऊपर देख पा रहे होंगे कि 3 टैबलेट का एक पैक है, सिप्लेट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ आज जैसे 500 टैबलेट के रिगार्डिंग, एजिथ्रोमाइसिन के रिगार्डिंग। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहेगा। वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एजिथ्रोमाइसिन एजिसिप के फ़ायदे, ये आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किस किस पर्पज़ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या प्राइस रहेगा, साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अंत तक ज़रूर बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक सारी वीडियोज़ पहुँच सकें। तो आप देख पा रहे हैं पैक के ऊपर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट है ये, एजिसिप के नाम से है। अजैक्स नाम से भी, बहुत सारे नाम से मैन्युफैक्चर की जाती है। सिप्ला का प्रोडक्ट है, बहुत ही भरोसेमंद ब्रांड है, आप जानते भी होंगे। पैक के पीछे बात कर लेते हैं, तो पैक के पीछे मेंशन है ये आरएक्स है। आरएक्स का मतलब है प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसे परचेज नहीं कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि ये सिप्ला द्वारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, शेड्यूल एच ड्रग है, यानी आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको प्रिस्क्रिप्शन लाना ही पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके यूजेज के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में। तो ये एक एंटीबायोटिक है और आपको अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका एक कोर्स होता है, सेट डेज होते हैं इसके। ये 3 का पैक है तो 3 दिन का कोर्स है। 500 mg टैबलेट दिन में आपको एक बार लेनी है। तो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल होता है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। और अगला जो यूज़ है वो रेस्पिरेटरी, जो आपके ट्रैक्ट होते हैं, कान, नाक, थ्रोट, लंग्स, स्किन, आई, बच्चों और जवान लोगों में, एडल्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने में। ये इन्फेक्शन कहीं भी आपके लंग्स, स्किन, जैसा कि मैंने बताया, आई, नोज, थ्रोट में हो सकते हैं। उसको बेसिकली ये रोकता है, पहले तो इनिशियली इसकी जो डोज का कम करती है इसको रोकती है, इसकी ग्रोथ को रोकती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके इन्फेक्शन को कम करती है ताकि आपकी बॉडी जो अपने अपना जो उसका इम्यूनिटी फंक्शन है उससे वो उस पर प्रभावी रहे और आपकी बॉडी के अंदर से जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए और गायब हो जाए। तो ऐसे काम करती है। आपको इसकी डोसेज लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है, अपनी मर्ज़ी से इसकी डोसेज ना लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग एंटीबायोटिक अपनी मर्ज़ी से लेते रहते हैं, जिससे क्या होता है रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है आपकी बॉडी में और फिर वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। कई बार तो लोग अपनी मर्ज़ी से ही, मतलब उनको पता भी नहीं होता, उनको वायरल इन्फेक्शन होता है बट वो ले लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई, इसमें वो काम भी नहीं करती, साथ ही साथ आपको साइड इफेक्ट का भी झेलना पड़ता है। तो साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट इसके वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, कई लोगों में चक्कर आना भी इसका एक समस्या देखी गई है। बट हाँ, ये सब अनकॉमन साइड इफेक्ट हैं। साथ साथ इसके एक कॉम्बिनेशन टैबलेट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ में आपको गैस की दवाई, मल्टीविटामिन या फिर आपकी कोई सिट्राजिन, स्पेशली अगर आप कोल्ड एंड फ्लू है तो दी जाती है। तो ये था पूरा कंप्लीट रिव्यू, मैंने एजिसिप 500 का कंप्लीट रिव्यू किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एजिथ्रोमाइसिन एजिसिप 500 टैबलेट के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।